दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद चीन पूरी तरीके से तिलमिला उठा है। चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी उसके सर्वनाश की गाथा लिखने अमेरिका गए हुए हैं और बाइडेन और मोदी मिलकर उसकी स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। भारत के अलावा अमेरिका के अंदर जापान की प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी शामिल है जो चीन के कट्टर दुश्मन कहे जाते हैं और समुद्र में चीन को पूरी तरीके से चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात से भारत के दुश्मन पूरी तरीके से हैरान हैं और उनकी लगातार इस दौरे पर नजर टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नियंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक मॉरिसन और जापान के योशिहिदे सुगा शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पहली बार आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिकी राजधानी में एकत्र हुए हैं। वहीं चीन इस मुलाकात से काफी तिलमिला गया है। चीन ने वाशिंगटन में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर कहा कि इसकी कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। चीन ने शुक्रवार को इस समूह की आलोचना करते हुए कहा कि इस विशिष्ट बंद समूह का गठन मौजूदा समय के खिलाफ है और इसे कोई समर्थन नहीं मिलेगा। क्वाड देशों के नेताओं की आमने सामने होने वाली यह पहली बैठक है। क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर चीन की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने मीडिया कर्मी से कहा कि चारों देशों के समूह को किसी तीसरे देश और उसके हितों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा मानता है कि किसी भी क्षेत्रीय सहयोग तंत्र को किसी तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं करना चाहिए या उसके हितों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। किसी तीसरे देश के खिलाफ विशिष्ट बंद समूह का गठन मौजूदा समय की पर्वती और क्षेत्र के देशों की आकांक्षा के खिलाफ है। इसे कोई भी समर्थन नहीं मिलेगा। चीन दोस्तों क्वाड को लेकर पूरी तरीके से तिलमिला उठा है और ऐसी बयानबाजी कर रहा है जिसमें वे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्वाड कुछ भी नहीं है और कोई भी देश क्वाड का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों चीन ये भूल रहा है कि क्वाड के अंदर चार देश तो शामिल है लेकिन आने वाले समय के अंदर कई और देशों को मिलाने की कवायद भी की जा रही है। दरअसल दक्षिणी चीन सागर में चीनी दावों का बचाव करते हुए प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चीन विश्व शांति का निर्माता, वैश्विक विकास में योगदान करता और विश्व व्यवस्था को कायम करने वाला है। उन्होंने कहा कि चीन की विकास का मतलब है दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए विकास तथा इसलिए सभी को एशिया प्रशांत में शांति, स्थिरता और विकास में चीन का योगदान देखना है। क्वाड के कार्य को लेकर चीन पूरी तरीके से बौखला गया है और चीन लगातार कह रहा है कि क्वाड उसके विरोध में काम कर रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। दोस्तों क्वाड से होने वाली तबाही से बचने के लिए यह बयान चीन ने दिया है लेकिन आपका चीन के इस बयान पर क्या विचार है या चीन केवल बयानबाजी पर ध्यान दे रहा है और पर्दे के पीछे चीन का जो काम है वह आप सब जानते हैं। इस पर अपना विचार जरूर बताइएगा।